धार के टांडा में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टीआई को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एफआईआर में बदलाव करने को लेकर 5000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे टीआई साहब। गुरुवार को इंदौर लोकायुक्त की टीम ने टांडा आकर एक बड़ी कार्रवाई की। यहां 354 के एक मामले में टांडा थाना प्रभारी सुभाष सूलिया पीपल दलिया के एक व्यक्ति से 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। पीपल दलिया के प्रेम सिंह डावर ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि उनके भाई रिचू के अलावा अन्य किसी के नाम न बढ़ाने के लिए टांडा थाना प्रभारी सुभाष सुलिया 20000 की रिश्वत मांग रहे थे, जिसमें 17000 में बात पक्की हुई। प्रेम सिंह ने टीआई साहब को 12000 रुपए गुरुवार सुबह दे दिए थे। उन्हें लोकायुक्त ने 5000 बाकी रुपए देते हुए पकड़ा। आवेदक प्रेम सिंह डावर है, ये पीपल दलिया गांव के थे, तो इनके भाई के खिलाफ एक 354 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। तो उसमें ये आरोपी उससे ये इस बात के पहले माफ पैसे की मांग कर रहे थे 20000 रुपये की, कि आपके और भाइयों को परिवार को मुलजिम बना देंगे, और नहीं तो 20000 रुपये नहीं दोगे तो बना देंगे, और 20000 रुपये दोगे तो बस एक ही मुलजिम रहेंगे। तो 20000 में सौदा तय हुआ था, 8000 रुपये उन्होंने कल दे दिए थे, बकाया राशि आज 4 बजे को देने का था 12000 रुपये। तो आज उसको 5000 रुपये के इस पर देते हुए रंगे हाथों थाना प्रभारी सुभाष सूलिया को थाना परिसर में पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।